फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बीएड करने के क्या फ़ायदे हैं एंड जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी करने के क्या फ़ायदे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस पे जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट फ्रेंड्स इसमें जो है मैं आपके थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम डीएलएड लिख लेते हैं, ठीक है, डीएलईडी। इसको जो है आप डीएलईडी भी बोल सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसे दिल्ली में डीएलएड भी बोलते हैं, यूपी में डीएलएड बोलते हैं, कोई नहीं, सेम ही नाम है, बीटीसी या जेबीटी, ठीक है, जेबीटी, जिसे जूनियर बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप समझिए एंड बीएड। अब हम बात करते हैं कि बीएड करने के क्या फ़ायदे हैं, बीएड के कितने स्कोप हैं एंड डीएलएड, बीटीसी और जेबीटी करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आप समझते हैं, देखिए डीएलएड आप जब कोर्स कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो डीएलएड करने के बाद जो है आप प्राइमरी प्लस में अपर प्राइमरी को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएशन चाहिए। देखिए फर्स्ट टू फिफ्थ तो आप जो है पेपर वन जब क्लियर कर लेते हैं, जब आप अपना डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, चाहे आप डीएलएड सेकंड ईयर में भी आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप जो है पेपर वन दे सकते हैं, मतलब कि आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब आप सीटेट अपना क्लियर कर लेते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। एंड जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन, तो आप जो है 6 to 8 अपर प्राइमरी क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि 1 to 8 तक को आप पढ़ा सकते हैं डीएलएड कोर्स करने के बाद। बट फ्रेंड्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज है, कि क्योंकि फ्रेंड्स कई सारे अदर स्टेट में जो है डीएलएड की वैकेंसी नहीं आती है, तो कई सारे जो स्टेट है वो डीएलएड को मान्यता नहीं देते हैं, मतलब कि डीएलएड को नहीं मानते। एंड बीएड करने के क्या फ़ायदा, ये समझिए। बीएड फ्रेंड्स ऑल इंडिया में जो है एक मान्यता प्राप्त कोर्स है। बीएड करने के क्या फ़ायदे, ये समझिए, बहुत ज़्यादा स्कोप है बीएड में। पहले तो फ्रेंड्स आप जो है प्राइमरी 1 to 5 के लिए तो ऑलरेडी आप एलिजिबल हो ही जाते हैं बीएड करते ही, अब उसके बाद फ्रेंड्स आप अपर प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आप अपर प्राइमरी मतलब कि 6 to 8 के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, ये हो गया, 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप फ्रेंड्स अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जो है यहाँ पे बीएड करने के बाद तो फ्रेंड्स आप जो है 10th तक पढ़ा सकते हैं। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बेनिफिट मिलता है, कि आप जो है 10th, 11th, 12th क्लास तक को भी आप पढ़ा सकते हैं। बीएड करने का ये फ़ायदा है। बीएड की अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स है फ्रेंड्स, तो आप जो है ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब पा सकते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हरियाणा में जो है जीबीटी कोर्स बंद होने वाला था, अभी कोई पता नहीं कि फिर से वहाँ वैकेंसी निकल सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है केस अभी भी निलंबित है कोर्ट में फ्रेंड्स। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो युवाओं का मतलब कि जो दिलचस्पी है वो डीएलएड से बिल्कुल जा रहा है। एंड इस प्रकार फ्रेंड्स एंड डीएलएड की वैकेंसी भी कम आती है, पर ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम आती है, डीएलएड की भी वैकेंसी आती है। बट यहाँ पे अगर आप समझे फ्रेंड्स, तो बीएड कोर्स जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसकी ओर जा रहे हैं। इसके पीछे आपका मैंने रीजन बता दिया है कि बीएड कोर्स की मान्यता जो है फ्रेंड्स वो प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक डीएलएड किया हुआ स्टूडेंट जो है प्राइवेट कॉलेज में जाता है एंड एक बीएड कोर्स किया हुआ स्टूडेंट जो है प्राइवेट कॉलेज में जाता है, तो बीएड वालों को पहले प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीएड की मान्यता ज़्यादा है। बट डीएलएड और बीएड कोर्स जो है वो गवर्नमेंट सेंट्रल मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे आप सीटेट दोनों दे सकते हैं, बट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट प्राइवेट कॉलेज वाले जो होते हैं ना, वो इसमें थोड़ा बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बट यहाँ पे जो है कि बीएड करने में आपका जो है कई स्टेट में जो है दिल्ली में जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है सीटें भी काफ़ी कम है। एंड फीस जो अगर हम दिल्ली से जो स्टूडेंट बीएड करते हैं फ्रेंड्स, उसकी फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 1,80,000 रुपये जो है दिल्ली से बीएड करने के प्राइवेट कॉलेज की ये फीस है। एंड दिल्ली से डीएलएड करने की जो फीस है वो ओनली 80,000 रुपये है प्राइवेट कॉलेज से। एंड गवर्नमेंट कॉलेज से फीस जो है वो 15,000 रुपये है दिल्ली से। एंड आपको पता ही है यूपी की कितनी है, यूपी की जो है फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन फीस जो है 4,000 से 5,000 अलग से वसूलते हैं। 2 ईयर की टोटल फीस जो है वो लगभग जो है यहाँ पे फ्रेंड्स 81,000 के आसपास में है, ठीक है। तो ये सभी 2 ईयर की टोटल फीस है। एंड वो जो मैंने बताया 80,000 रुपये लगभग सेम ही है दिल्ली एंड यूपी की जो है डीएलएड बीटीसी की कोर्स की फीस प्राइवेट कॉलेज की। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं कि बीएड का क्या फ़ायदा है। बट बीएड का जो है फ्रेंड्स यहाँ पे फीस थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इस पे गाइस मैं जो है ना क्या क्या और स्कोप है एंड किस प्रकार जो है इसके लिए आप कर सकते हैं, मैं इसके रिगार्डिंग जो है ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये मैं जल्दीबाजी में जो है एक वीडियो मैंने आपको समझा दिया कि क्या बेनिफिट है इसका, बट इसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीएलएड की भी मान्यता है एंड बीएड की भी मान्यता है,
इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि आप जो है DL.ED ना करें एंड B.ED करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसको मैं समझाना चाहा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका बेनिफिट होने वाला है। कोई भी फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग जो है ना बताना नहीं चाहता जो रियलिटी है इसके पीछे, बट फ्रेंड्स जो रियलिटी है वो मैं शेयर कर देता हूँ सभी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।